इस वीडियो में हम बात करेंगे ख़ानदान शरीफ के बारे में। फर्स्ट तारुफ मीन्स इंट्रोडक्शन। ये ख़ानदान मुग़ल लश्कर के साथ समरकंद से हिंदुस्तान आए थे और जैसे जैसे ये ख़ानदान बढ़ने लग गया वैसे वैसे इन ख़ानदान के लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट पेशे इख्तियार करे, मीन्स प्रोफेशन इख्तियार करे थे। और जो तबाबत का पेशा था, मीन्स मेडिसिन का जो पेशा था, वो हकीम फाजिल खान ने शुरू किया था और इनकी चौथी पीढ़ी में पैदा होते हैं हकीम शरीफ खान, जिनके वजह से ये ख़ानदान बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ। अशरफुल हुक्मा हकीम मोहम्मद शरीफ खां, इनकी पैदाइश 1725 एडी में दिल्ली में हुई थी और 82 साल की उम्र के बाद में 1807 एडी में इनकी वफात हुई। ये एक बहुत ही माहिर तबीब थे और अपनी काबिलियत के बिना पर ये उस टाइम के बादशाह के पर्सनल तबीब भी थे और इन्होंने एक बहुत ही ख़ास किताब लिखी थी जिसका नाम इलाजुल अमराज था, जिसमें इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस और जो भी इन्होंने डिजीज़ के बारे में उस टाइम पर रिसर्च करी थी वो सब लिखा रखा था। हकीम गुलाम महमूद खान, इनकी पैदाइश 1819 एडी में दिल्ली में हुई थी और 70 ईयर्स की उम्र के बाद में 1891 एडी में इनकी वफात हुई। ये एक बहुत ही माहिर तबीब थे जो अमराज जिंसिया मीन सेक्सुअल डिजीज़ का इलाज भी किया करते थे। उस वक्त में सेक्सुअल डिजीज़ के बारे में लोगों को पता भी नहीं होता था और वो इस पर बात भी नहीं करते थे, लेकिन इन्होंने सेक्सुअल डिजीज़ के बारे में लोगों को जागरूक भी किया और उनका इलाज भी किया। हाजका मुल्क हकीम अब्दुल मजीद खान, इनकी पैदाइश 1852 एडी में दिल्ली में हुई थी और 49 साल की उम्र के बाद में 1901 एडी में इनकी वफात हुई। और इनके वालिद का नाम हकीम गुलाम महमूद खान था और ये हकीम अजमल खान के बड़े भाई भी थे। मदरसा तबैया दिल्ली का क़याम, इस मदरसे की बुनियाद तो हकीम गुलाम महमूद खान ने 1883 एडी में डाली थी, लेकिन इस मदरसे की रहनुमाई हकीम अब्दुल मजीद खान के अंडर हुई थी और ये मदरसा 1889 एडी में मुकम्मल तैयार हो गया था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।